अमीर बहू और गांव की सास। रोहन अपनी माँ का इकलौता बेटा था। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है। इंजीनियर बनने के बाद उसका बॉस अपनी बेटी की शादी रोहन से करवा देता है। शादी तो कर ली मैंने बॉस की बेटी से, लेकिन अब मैं माँ को कैसे बताऊंगा कि मेरी शादी हो गई है? नहीं नहीं, अभी माँ को नहीं बताऊंगा, वरना वो बेलन लेकर आएंगे मुझे मारने। वो भी बीवी के सामने, फिर क्या होगा, मेरी इज्जत का तो मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। रोहन अपनी बीवी मेघना के साथ हंसी खुशी अपना जीवन काट रहा होता है। मेघना बॉस की बेटी थी, वो बड़ी अमीर होती है। एक दिन मेघना आराम से बैठकर टीवी में सास बहू का शो देख रही होती है। मेरा परिवार कितना छोटा सा है, बस मैं और मेरे पति, मेरी सास कहाँ रहती होंगी। तभी दरवाजे की बेल बजती है। मेघना दरवाजा खोलती है। सास हाथ में बेलन लिए घर में घुस जाती है। oh, no! और अपने बेटे को ढूंढने लगती है। कहाँ है वो बदमाश, कहाँ है? oh, no! कौन बदमाश और आप कौन हो? हम हैं रोहन की अम्मा, बुलाओ उसको। मेघना रोहन को बुला के लेके आती है। माँ आप यहाँ? यहाँ क्यों रे, तुमको क्या लगा तुम हमको बताएगा नहीं कि तेरी शादी हो रही है, तो हमको क्या पता नहीं चलेगा? माँ सॉरी सॉरी माँ। सास अपने बेटे को बेलन से मारने लगती है। नालायक, हम लोगों को गांव में छोड़कर खुद यहाँ शादी रचा कर बैठा है। माँ वो बॉस ने कहा तो मैंने कर ली। मम्मी जी प्लीज रोहन को मत डांटिए, ये मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने अपने पापा से बोलकर इनसे शादी कर ली। सास के मन में बहू की अमीरी देखकर लालच आ जाता है। चल ठीक है, माफ कर दिया तुझे, लेकिन मैं अब से यहीं रहूंगी। ओह माय गॉड। जी ठीक है मम्मी जी। वैसे बहू तेरा नाम क्या है? मेघना। क्या मेघनाथ? मेघनाथ नहीं मम्मी जी, मेघना है मेघना। ओह नो। और बहू क्या क्या बना लेती हो खाने में? खाने में मैं मैगी बना लेती हूँ, ब्रेड विद बटर बना लेती हूँ, और बाकी सारा खाना तो मेरे स्टाफ बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब से खाना तो तुझे ही बनाना पड़ेगा। oh, no. मैं नहीं खाती स्टाफ के हाथ का खाना, मुझे तो बस अपनी बहू के हाथ का खाना खाना है। Uh-oh. क्या ठीक है, फिर मैं मैगी बना देती हूँ आप लोगों के लिए अभी। चल हट, मैगी बैगी नहीं, मैं आलू के पराठे खाऊंगी और छोले की सब्जी साथ में। आपका दिमाग तो ठीक है ना, इतना मुश्किल खाना मुझे नहीं आता बनाना। oh, no. जो मर्जी कर, हम तो यहीं खाएंगे, चुपचाप बना के लेकर आ। बहू सास के लिए YouTube पर देखकर खाना बनाती है। छी छी छी, कितना बेस्वाद खाना बनाती है तू, कल से अपने स्टाफ के साथ खाना बनाना सीख लेना। चुप करो आप, एक तो इतनी मुश्किल से खाना बनाया, ऊपर से ताने ही मार रही हो। अरे अरे बहू, तुम तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। रात में सब सोने चले जाते हैं। बहू को अचानक किचन में से एक डरावनी आवाज आने लगती है। ओह माय गॉड, इतनी रात को किचन में से ये कैसी आवाज आ रही है? बहू किचन की लाइट जलाती है और देखती है कि सास किचन में कुल्ला कर रही होती है। क्या हुआ बहू, तुझे रात को नींद नहीं आती क्या? नींद तो बहुत अच्छे से आ रही थी मम्मी जी, लेकिन आपके इस कुल्ले की आवाज ने मुझे जगा दिया। सास अपने कमरे में सोने को चली जाती है। मुझे जगा कर खुद सोने चली गई। अगले दिन सास अपनी बेटी देवर देवरानी और उनके बच्चों को घर में बुला के ले आती है। oh, no! आओ आओ बैठो और अपना ही घर समझना इसको। Uh-oh. अरे ये लोग कौन है मम्मी जी? ये लोग हमारे परिवार के ही तो लोग हैं। जाओ सबके पैर छुओ। बहू चाची चाचा के पैर छूती है। बहू आज से ये लोग यहीं रहेंगे। क्या? तभी बच्चे टीवी पर फुटबॉल मारकर उसे तोड़ देते हैं। हे भगवान, इतना महंगा टीवी तोड़ दिया। बच्चे रोने लग जाते हैं ये बात सुन के। बहू रुला दिया ना बच्चों को, जाकर शांत कर उन्हें। जी मम्मी जी। बहू अपने बगीचे में बच्चों को खिलाने के लिए ले जाती है। वहाँ दो गाय पेड़ से बंधी हुई होती है। गार्डन में गाय कहाँ से आ गई? अरे बछुआ हम लाए हैं, वो अब यहीं रहेगी। क्या? बहू अपने कमरे में चली जाती है। तभी देखती है कि उसकी नंद उसकी महंगे महंगी जो मेकअप किट है और उसके जो कपड़े हैं उसे पहनकर गाना गा रही होती है। ओह माय गॉड। हमारा नाम है प्रिया, प्रिया की जवानी, ए टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ नानी। एक्सक्यूज मी, ये क्या चल रहा है? भाभी आपसे मैं इसी कमरे में रहूंगी,
यहाँ बहुत सारी फैशन की चीजें हैं। ओह नो। चुप कर, ये सब मेरी है। भैया, भाभी मुझे डांट रही है। तेरे भैया की तो। मेघना रोहन को पकड़कर दूसरे कमरे में ले जाती है। सुनो, तुम्हारी ये गांव वाली फैमिली गांव वापस नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह माय गॉड। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि तुम बुरी कैसे हो? तुम तो बड़ी अच्छी हो जानू। बस बस, ज्यादा मक्खन में लगाओ और कुछ सोचो। भाभी भाभी, समोसा खाना है, समोसा बना दो ना घर में। हाँ हाँ, मुझे ही खा लो तुम लोग। बच्चे फिर से रोने लग जाते हैं। अरे ये फिर से शुरू हो गए। कुछ दिनों के बाद, चलो आज मैं अपनी फेवरेट सैंडल पहन के शॉपिंग करने जाऊंगी। सैंडल्स पर वो देखती है कि भाई उसमें तो गोबर लगा हुआ है। ये मेरे सैंडल्स को क्या हो गया? अरे बहू रानी, ये हमारी गाय को चारा खिलाने जा रही थी तो कुछ मिल नहीं रहा था पहनने को, तो तुम्हारा सैंडल ले लिया। बहुत अच्छा सैंडल है, महंगा लगता है, 400-500 का होगा। पूरे 3,000 रुपए का था। ओह माय गॉड। अच्छा मजाक करती है बहुरिया। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बहू चाचा चाची को पैसे देकर रफा दफा कर देती है। ओह नो। सास को छोड़कर सब लोग पैसे के लालच में वापस अपने गांव लौट जाते हैं। OMG। अरे ये लोग कहाँ चले गए? पता नहीं मम्मी जी। पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कुछ दिन के बाद, अरे बहू इनसे मिलो, ये है मामा मामी, मौसी और रिंकी। मौसी की बेटी है रिंकी। अब ये लोग यहीं रहेंगे। Oh no. क्या? अब फिर से नहीं।